Hello and welcome to our YouTube channel Royal Academy. Today we are going to discuss top 25 MCQs regarding transport, regarding industries of J&K. In transport, we have selected questions from roads, from railways, from waterways, and also from communication. We have taken important question regarding the industries as well. This topic is very important for all the examinations of the JKSSB, even for the competitive exams. At least two or three questions will be selected from the transport and communication of J&K. And we tried our best to take top 25 MCQs from this very topic. Now we will start with the very first question, that is JKSRTC, that means Jammu Kashmir State Road Transport Corporation, is the full form of JKSRTC, came into existence on. ये हमसे पूछ रहा है कि JKSRTC को कब establish किया गया. Option A is 1 September 1975. Option B is almost in all the options there is a 1st September. Okay, then it is a 1975, 1976. 1977-1978. You have to remember that JKSRTC was established on 1st September 1976. That you need to remember. Sometimes क्या होता है कि वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ year पूछते हैं. 1975-1976-1977-1988. So option B is the right option. That is in the year 1976 and exactly on 1st September, आपको याद रखना पड़ेगा 1st September 1976 को JKSRTC की क्या establishment हो चुकी हुई थी. Now coming to question number 2. Question number 2 हमसे क्या पूछ रहा है, which among them is defense road. हमसे पूछ रहा है इन चार में से कौन सा डिफेंस रोड है जो कि प्योरली डिजाइन किया गया, ये रोड डिफेंस रोड है, अदरवाइज बाकी रोड्स पे भी डिफेंस मूवमेंट होती है. ऑप्शन ए इज श्रीनगर वैल रोड, ऑप्शन बी इज श्रीनगर बांडीपुरा रोड, ऑप्शन सी इज दार उधमपुर रोड, ऑप्शन डी इज कटरा उधमपुर रोड. अगर देखेंगे ऑप्शन सी इज द राइट, दैट इज दार उधमपुर रोड. दार उधमपुर रोड इज कंसिडर्ड एज अ डिफेंस रोड, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बड़ी बार पूछा जाता है. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज कोच एंड बहुच आर यूज्ड टू कैरी डैश इन द जेके एज वाटर ट्रांसपोर्ट. पूछ रहे हैं कि जो कोच एंड बहुच है, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट कोच एंड बहुच, ये क्या कैरी करता है इन द किस में, वाटर ट्रांसपोर्ट में ये कैरी क्या करता है. ऑप्शन इज ये हेवी लोड्स कैरी करते हैं कोच एंड बहुच, बी ये पैसेंजर्स को करते हैं कैरी, सी ये मैसेजेस को करते हैं कैरी, डी ये आइडियाज को करते हैं कैरी. तो ऑप्शन विच इज राइट, हेवी लोड्स. जो कोच एंड बोच, इट इज यूज्ड टू कैरी हेवी लोड्स, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर का जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वहां पे हम कोच एंड बोच का यूज करते हैं टू कैरी हेवी लोड्स. अगर पैसेंजर देखेंगे इट इज द डोंगास, वेल एज मैसेज एंड आइडियाज, ये कम्युनिकेशन के आंसर्स थे. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज विच नेशनल हाईवे रन्स इन द यूटी ऑफ जे एंड के. हमसे पूछ रहा है कौन सी नेशनल हाईवे कहां पे है जम्मू कश्मीर में, आपको इनमें से देखनी है कौन से नेशनल हाईवे जम्मू कश्मीर में पड़ती है. ऑप्शन ए इज NH 27, ऑप्शन बी इज NH 35, ऑप्शन सी इज NH 44 एंड ऑप्शन डी इज NH 21. तो आपको याद रखना पड़ेगा NH 44 जो है ये कौन सी है, ये रन करती है इन द यूटी ऑफ जेएंड के, बराबर कहां तक जाती है, सदर्न टिप तक जाती है, नॉर्दर्न टिप से ये स्टार्ट होके बराबर सदर्न टिप तक जाती है. दैट मींस अगर लाइफ लाइन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की भी पूछेंगे कौन सी हाईवे, याद रखना इट इज NH 44. NH 44 इज कंसिडर्ड एज अ लाइफ लाइन ऑफ जे एंड के. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5.
क्वेश्चन नंबर 5 इज हिस्टोरिक मगल रोड इज हाउ मच डैश किलोमीटर लॉन्ग। हमसे पूछ रहा है जो हिस्टोरिक मगल रोड है जो कनेक्ट करता है शुपेन को बुफलेज के साथ, बुफलेज कहाँ पे है, पुंछ में, जो शुपेन डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है पुंछ के साथ जिसको मगल रोड बोलते हैं, जिसकी कंस्ट्रक्शन अकबर ने की थी, हमसे पूछ रहा है कि उसकी लेंथ कितनी है। ऑप्शन ए इज 54, ऑप्शन बी इज 64, ऑप्शन सी इज 74, ऑप्शन डी इज 84। तो आपको याद रखना पड़ेगा 84 किलोमीटर, ऑप्शन डी इज राइट, 84 किलोमीटर कौन सा है, किसकी लेंथ है, मगल रोड की लेंथ है जो कनेक्ट करता है शुपेन डिस्ट्रिक्ट को किसके साथ, पुंछ के साथ। कभी कभी ऑप्शन में पुंछ नहीं होता है, एग्जैक्ट जगह होती है, दैट्स अ बुफलेज। बुफलेज के पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है, आपको वो आपने वो सुनी होगी। Now coming to the question number 6. Question number 6 is also important. What is it? Chinani Nishri Tunnel is also is all weather tunnel in J&K is. हमसे पूछ रहा है जो Chinani Nishri Tunnel जो है, जो कि all weather tunnel है, कहाँ पड़ती है? UT of JK में पड़ती है। हमसे पूछ रहा है उसकी लेंथ क्या है? Option A is 8.2 किलोमीटर, ऑप्शन बी इज 9.2 किलोमीटर, ऑप्शन सी इज 10.2 किलोमीटर एंड ऑप्शन डी इज 11.2 किलोमीटर। यू हैव टू रिमेम्बर जो ये चिनानी नशरी टनल है, इसकी लेंथ कितनी है, 9.2 किलोमीटर लेंथ है। इसका दूसरा नाम है वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा कि इसका नया नाम क्या है, चिनानी नशरे टनल का रिसेंटली इसका नाम चेंज किया गया, आपको बताना पड़ेगा वो कमेंट में इसका क्या दूसरा नाम है, ज्यादातर वही न्यूज में होता है। नाउ इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ है 9.2 किलोमीटर, रिसेंटली इसको इनॉग्रेट किया गया था, इंपॉर्टेंट बनता है ये क्वेश्चन हमारे लिए। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इज मगल रोड कनेक्ट्स शुपेन इन कश्मीर वैली विद, कुछ टाइम पहले मैंने इसको डिस्कस किया था, हमसे पूछ रहा है जो मगल रोड है ये कनेक्ट करता है शुपेन को, कहां करता है कनेक्ट, कश्मीर वैली जो शुपेन है विद किस जगह से कनेक्ट करता है। मैंने आपको बताया था पुंछ, मगर यहाँ पुंछ ऑप्शन में नहीं है, यहाँ बुफलेज है और जो बुफलेज है वो पुंछ में ही पड़ता है। ऑप्शन बी इज उधमपुर विच इज नॉट द आंसर, बानिहाल भी आंसर नहीं है और कटरा भी आंसर। Now, इसका आंसर क्या था, बुफलेज था। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इज इंपॉर्टेंट। जेके वॉज ब्रॉट ऑन रेलवे मैप ऑफ इंडिया इन विच ईयर, हमसे पूछ रहा है कि अगर हम देखेंगे रेलवे लाइन या रेलवे कब एस्टैब्लिश हो गई, बहुत पहले हो चुके हैं रेलवे एस्टैब्लिश, बट इंडिया के मैप पे कब रेलवे इन जम्मू कश्मीर की क्या हो गई, इंट्रोडक्शन। तो ऑप्शन ए इज 1970, ऑप्शन बी इज 1980, ऑप्शन सी इज 1975 एंड ऑप्शन डी इज 1985। तो आपको याद रखना पड़ेगा 1970 जो है, दिस ईयर इज कंसिडर्ड एज द ईयर इन विच जम्मू एंड कश्मीर की क्या हुई, रेलवे मैप ऑफ इंडिया में ऐड हो गया जम्मू कश्मीर, तब स्टेट हुआ करता था, जम्मू कश्मीर स्टेट ऐड हुई रेलवे मैप ऑफ इंडिया में, दैट मीन्स कि रेलवे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गए सिंस फ्रॉम 1970। मगर इससे पहले भी आपने पढ़ी होगी प्रताप सिंह का, बट दैट वॉज नॉट एट द टाइम इंडिया का पॉट नहीं था जी की। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इज श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट वॉज इनॉग्रेटेड एज ए इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑन किस डेट पे श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिला, और फ्लाइट उस देखो किससे आई, जो फ्लाइट दुबई से आई थी एंड इट हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय दैट फ्लाइट। तो हमसे पूछ रहा है किस डेट पे, पहला सब ए बी सी तीनों डी, अच्छा चारों के चारों में ऑप्शन है 14 अगस्त। नाउ द थिंग इज कि किस साल में, ऑप्शन ए इज 2009, ऑप्शन बी इज 2012, ऑप्शन सी इज 2014 एंड ऑप्शन डी इज 2015। तो आपको याद रखना पड़ेगा ऑप्शन ए इज राइट, दैट्स ऑन 14 अगस्त 2009 में श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनॉग्रेट किया गया एज अ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और उस दिन क्या फ्लाइट हुई, दुबई से फ्लाइट आई, जिन्होंने टेक ऑफ किया था दुबई से, और वो लैंड कहां, उन्होंने लैंड कहां पे किया, उसने लैंड किया आपके श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ऑन द डेट 14 अगस्त 2009। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 इज लेंथ ऑफ जहलिम वैली रोड, जो जहलिम वैली रोड है इसकी लेंथ क्या है। ऑप्शन ए इज 140 किलोमीटर, ऑप्शन बी 150 किलोमीटर, ऑप्शन सी 132 किलोमीटर, ऑप्शन डी इज
200 किलोमीटर। तो आपको याद रखना पड़ेगा जो जहलम वैली रोड है जो कनेक्ट करता है आपके किसको, बानिहाल जम्मू डिवीजन और कश्मीर डिवीजन को कनेक्ट करता है जहलम वैली रोड, उसकी जो लेंथ है दैट इज 132 किलोमीटर। तो आपको याद रखना पड़ेगा एग्जैक्टली इट इज 132.2 किलोमीटर, बट यूजुअली 0.2 ऑप्शन में होता नहीं है, यूजुअली ऑप्शन में 132 होता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा 132 किलोमीटर किसकी लेंथ है, जहलम वैली रोड की लेंथ है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 11। What is question number 11? Largest railway station in Jammu and Kashmir. पूछ रहा है हमसे यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में सबसे बड़ा लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है? ऑप्शन ए जम्मू एंड तवी स्टेशन, ऑप्शन बी बारामूला रेलवे स्टेशन, ऑप्शन सी काजीगंज रेलवे स्टेशन, ऑप्शन डी श्रीनगर रेलवे स्टेशन। तो यहाँ आंसर जो है दैट इज जम्मू तवी स्टेशन। जो जम्मू तवी रेलवे स्टेशन है दैट इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन इन कहां पे, जम्मू एंड कश्मीर, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में सबसे बड़ा लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है, वो है जम्मू तवी स्टेशन। नाउ गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 12, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट्स जम्मू डोमेस्टिक एयरपोर्ट इज कॉल्ड एज। हमसे पूछ रहा है जो जम्मू में एयरपोर्ट है पहला ही वो क्या है, वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, नॉट द इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो हमसे पूछ रहा है उसका दूसरा नाम क्या है, ऑप्शन ए सतवारी एयरपोर्ट, ऑप्शन बी मांडा एयरपोर्ट, ऑप्शन सी धार एयरपोर्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो विच ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट। तो जम्मू जो जम्मू एयरपोर्ट है, जम्मू एयरपोर्ट को दूसरा नाम हम क्या बोलते हैं, सतवारी एयरपोर्ट। तो आपको याद रखना पड़ेगा उसको डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी है, वो कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी नहीं है, मे बी इनकमिंग टाइप उसको भी क्या किया जाएगा, इम्प्रूव किया जाएगा, इनॉग्रेट किया जाएगा एज अ जम्मू इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो आपको याद रखना पड़ेगा जम्मू डोमेस्टिक एयरपोर्ट को दूसरा नाम क्या है, सतवारी एयरपोर्ट। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 13। What is question number 13? जम्मू रीजन हैज मैक्सिमम रोड लेंथ। हमसे पूछ रहा है कि जम्मू की लेंथ कितनी है, रोड लेंथ कितनी है। ऑप्शन ए इज 14803, ऑप्शन सी इज 4566, ऑप्शन सी इज 15920, ऑप्शन डी इज 18420। ये किस में है, किलोमीटर्स में है। तो ऑप्शन सी इज राइट, जम्मू की जो लेंथ रोड की लेंथ जो है 15920 किलोमीटर है। तो आपको याद रखना इतने किलोमीटर्स क्या है जम्मू की रोड लेंथ, आज इससे ज्यादा होगी बट आपको ऑप्शन में ऑलमोस्ट आप याद रखोगे कि 16,000 किलोमीटर लेंथ है किसकी, जम्मू की। और जो ये ऑप्शन है 4566, ये जो है ये लेंथ ऑफ द रोड्स कहाँ पे है, ये लेंथ ऑफ द रोड्स आपके लद्दाख में है, नाउ यूटी ऑफ लद्दाख, और 14803 आपके कश्मीर डिवीजन की है, और 18420 हमारे किसी भी यूटी से रिलेटेड नहीं है। तो ये 4566 यूटी ऑफ लद्दाख, 1480 कश्मीर डिवीजन एंड 15920 इज ये किसकी है, जम्मू रीजन की रोड लगत। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर क्या 14 क्या हमसे पूछता है, जेके हैज अ लवेस्ट रोड डायनेस्टी। हमसे पूछ रहा है कि जम्मू कश्मीर की जो रोड डायनेस्टी है वो सबसे कम है अमंग ऑल द इंडियन स्टेट्स, जो भी इंडियन स्टेट्स है सबसे कम अगर रोड डायनेस्टी, डायनेस्टी से पर 100 स्क्वायर किलोमीटर, सबसे कम कहां पे है, जम्मू कश्मीर में। और हमसे पूछ रहे कितनी है, ऑप्शन ए इज 50 किलोमीटर, ऑप्शन बी इज 34 किलोमीटर, ऑप्शन सी इज 24 किलोमीटर, ऑप्शन डी इज 14 किलोमीटर। तो आपको याद रखना पड़ेगा ऑप्शन बी इज राइट, दैट इज 34 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर लोवेस्ट रोड डायनेस्टी है थ्रू आउट इंडिया, और किस यूटी में है, वो जेके यूटी में है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 15। What is question number 15? Which district of J&K has a potential to generate wind energy? हमसे पूछ रहा है कि किस district, कौन से district of J&K का, जम्मू एंड कश्मीर का कौन से district में wind potential है? Option C is, option A is Leh, ये तो state J&K का पूछ रहा है फिर। Option B is Baramulla, option C is Kupwara, option D is all of these। अगर हम देखेंगे all of the above is right, क्योंकि लेह में भी विंड पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, बारामूला में भी है और कुपवारा में भी है। अगर ये तीनों डिस्ट्रिक्ट हम देखेंगे, लेह जो डिस्ट्रिक्ट है किसका, यूटी ऑफ लद्दाख का, और बारामूला और कुपवारा देखेंगे जो अब डिस्ट्रिक्ट है किसके, यूटी ऑफ जे एंड के, इन तीनों को क्या है, ग्रेट इनको विंड एनर्जी पोटेंशियल है। यहाँ पे हम विंड मिल्स को क्या कर सकते इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके बाद हम हार्नेस करेंगे क्या, विंड एनर्जी हम हार्नेस कर सकते हैं इन तीन डिस्ट्रिक्ट्स में। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 16? इन व्हिच ईयर द जेके स्टेट
पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वॉज सेटअप। हमसे पूछ रहा है जो जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है इसको कब सेटअप किया गया। ऑप्शन ए इज 2008, ऑप्शन बी इज 1995, ऑप्शन सी इज 2016, ऑप्शन डी इज 1998। तो आपको याद रखना पड़ेगा विच ऑप्शन इज राइट, दैट इज ऑप्शन 1995 इज द राइट ऑप्शन किसके लिए, क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे पूछ रहा था कि जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को कब एस्टेब्लिश किया गया, तो आंसर इज 1995। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 17, द फर्स्ट थर्मल पावर प्रोजेक्ट ऑफ स्टेट ऑफ जे एंड के विल टेक कोल फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया। हमसे पूछ रहा है जो फर्स्ट थर्मल पावर प्रोजेक्ट ऑफ स्टेट का जम्मू एंड कश्मीर उसको कोल कहां से आता है। ऑप्शन ए इज कोल झारखंड से आता है, ऑप्शन बी ओडिशा से आता है, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल से आता है, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ से आता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा ओडिशा, ओडिशा से सप्लाई होता है कोल किसको, फर्स्ट थर्मल पावर प्लांट को सप्लाई हो जाएगा कोल कहां से, फ्रॉम द स्टेट ओडिशा से, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू द 18th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्रीज आर लोकेटेड एट गंगियाल। हमसे पूछ रहा है कौन से फैक्ट्रीज, कौन से इंडस्ट्रीज गंगियाल में है। ऑप्शन ए इज बिस्किट फैक्ट्री, ऑप्शन बी इज बॉटलिंग कंपनी, ऑप्शन सी राइस एंड फ्लोर मिल, ऑप्शन डी इज बोथ ए एंड बी। तो आपको याद रखना पड़ेगा ऑप्शन कौन से राइट है, बोथ ए एंड बी, दैट मींस गंगियाल में आपको बिस्किट फैक्ट्रीज भी मिलेंगे और बोटल्स की भी फैक्ट्री वहां पे कहां पे पड़ेगी, गंगियाल में पड़ेंगे। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 19, कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री इज लोकेटेड इन। हमसे पूछ रहा है जो ये कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री है ये किस डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन ए इज ये सांबा में है, ऑप्शन बी इज ये कुठवा में है, ऑप्शन सी इज ये जम्मू में है। तो आपको याद रखना पड़ेंगे जो ये कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज है ये सांबा में भी है और ये जम्मू में भी है, तो ऑप्शन बोथ, एक सेकंड, ऑप्शन डी इज द राइट, दैट इज बोथ एंड सी, आपको सांबा में भी मिलेंगे और आपको ये जम्मू में भी मिलेंगे, तो ऑप्शन डी इज राइट, दैट इज बोथ बी एंड सी, कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज आपको सांबा में भी मिलेंगे और जम्मू में भी मिलेंगे। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 20, द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम इन द ईयर। हमसे पूछ रहा है कि जो जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्रियल पॉलिसी हुआ करती थी वो किस ईयर में आई। तो ऑप्शन ए इज 1947, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी इज 2001। तो ऑप्शन सी इज राइट, दैट इज 1995। 1995 में जो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट तब हुआ करती थी उन्होंने क्या किया था, उन्होंने फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी को एस्टैब्लिश किया, उन्होंने फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया कब, 1995 में। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 21, दैट इज द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम इन ईयर। अब जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, देखो अगर पूछ रहा है पहली फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब जम्मू कश्मीर की कब फॉर्मुलेट हो चुकी थी, तब आपका आंसर 1995 होगा, मगर 1995 से आज बहुत टाइम हुआ तो हमने इसको क्या, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमने लाई किसके लिए, जे एंड के लिए। तो किस साल में, 2001, 2004, 2010 and 2016। पूछ रहा है किस साल में हमने नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ जेके की हमने लाई, तो ऑप्शन डी इज द राइट, याद रखना ऑप्शन डी, 2016 में जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई किसके लिए, तब स्टेट जम्मू एंड कश्मीर के लिए लाई थी। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 इज जेके खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड केम इन द ईयर। हमसे पूछ रहा है जो ये जेके खादी विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड जो है ये किस साल में एस्टैब्लिश हुआ। ऑप्शन ए इज 1958, ऑप्शन बी इज 1965, ऑप्शन सी इज 1972, ऑप्शन डी इज 1980। विच आंसर इज द राइट, दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज 1965 में जम्मू कश्मीर जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या एस्टैब्लिश किया, उन्होंने एक बोर्ड एस्टैब्लिश किया जो लुक करता था खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, जो लोकल इंडस्ट्रीज है जम्मू कश्मीर में उनको कौन अब रेगुलेट करता है, जम्मू कश्मीर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड।
यही प्रोवाइड इनको लोन एक्स्ट्रा करता है, जो भी टेक्निकल इनको हेल्प चाहिए, फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, यही बोर्ड इनको प्रोवाइड करता है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 23? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाज सेट अप इन 1970? 1970 में कोई एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सेटअप किया गया अलॉन्ग विद द प्रोसेस ऑफ न्यू इंडस्ट्रियलाइजेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। न्यू इंडस्ट्रियलाइजेशन जम्मू एंड कश्मीर का जब हमने एजेंडा उठाया तो हमसे पूछ रहा है किस डिपार्टमेंट की एस्टैब्लिशमेंट तब हुई थी, किसमें, साल 1970 में। तो ऑप्शन ए इज सिकॉफ, ऑप्शन बी इज डीआईसी, ऑप्शन सी इज सिडिको, ऑप्शन सी इज एमएसएमई। तो आपको याद रखना पड़ेगा ऑप्शन डी इज राइट, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, डीआईसी आपको याद रखना पड़ेगा। 1970 में हमने इसकी एस्टैब्लिशमेंट की विद द प्रोसेस ऑफ न्यू इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर, तब हुआ करती थी यूटी। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 24। पूगा वैली इन द लद्दाख रीजन इज अ पोटेंशियल सोर्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। हमसे पूछ रहा है जो पूगा वैली है कहाँ पड़ती है, यूटी ऑफ लद्दाख में पड़ती है। हमसे पूछ रहा है कि वहां उस पर्टिकुलर वैली को बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, किसकी, ए सोलर एनर्जी की, बी जियोथर्मल एनर्जी की, सी हाइड्रो एनर्जी की, डी ऑल ऑफ दीज की। तो विच आंसर इज राइट, दैट्स अ जियोथर्मल एनर्जी। इसके लिए नया प्रोजेक्ट भी लाया गया। तो पूगा वैली जो लद्दाख रीजन में पड़ती है वहां क्या है, सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसकी है, जियोथर्मल एनर्जी की है। नाउ वी हैव टू हार्नेस दैट। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 25। सोलर फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी इज द कन्वर्शन ऑफ, जो हमसे पूछ रहा है जो ये फोटो सोलर फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी है ये कन्वर्शन किसकी करती है, किस में। ऑप्शन ए सनलाइट इंटू इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन बी सोलर एनर्जी इंटू हाइड्रो पावर, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिसिटी सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी इंटू सोलर एनर्जी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबो। तो विच ऑप्शन इज द राइट, दैट्स ए, दैट इज जो सोलर फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजीज है ये कन्वर्ट करते हैं किसकी, सन एनर्जी को, ये पहले ट्रैप करते हैं फोटोवोल्टिक सेल्स, फिर उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। विद दिस क्वेश्चन वी हैव कंक्लूडेड दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच। ओके बाय।